और अब बात बिहार की करते हैं, जहां परिवारवाद को लेकर के पॉलिटिक्स जारी है, सियासी बयानबाजियों का दौर तेज है और ताजा बयानबाजी जो हुई है वो रोहिणी आचार्य और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बीच हुई है। सम्राट चौधरी ने देखिए आरजेडी का मतलब बता दिया है, वहीं नीतीश कुमार ने एक बार फिर से परिवारवाद को लेकर के हमला बोला है। पूरी खबर क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा की लड़ाई जारी है, सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने वाला है, ऐसे में विवादित बयानबाजी की बाढ़ आ गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी के लालटेन का मतलब समझाया है। क्या है वो मतलब, आप खुद सुनिए। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस टेन इक्वल्स टू लालटेन। सुना आपने, अब सवाल है कि सम्राट चौधरी ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल इसकी वजह है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य। सम्राट चौधरी को लेकर बेहद विवादित बयान दिया रोहिणी आचार्य ने। कहा कि हम सम्राट चौधरी के माँ बाप को नहीं जानते, वो किसके बेटे हैं हम उन्हें नहीं जानते, उनके बच्चे हैं या नहीं यह सब कुछ पड़ोसियों के ही हैं। रोहिणी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर है। सम्राट चौधरी पर रोहिणी आचार्य के बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और कार्रवाई की मांग की है। सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कहा। राजन ये इसके लिए ही जाना जाता है, दूसरे को गाली देना और समाज के लिए कुछ काम नहीं करना। लालटेन का मतलब ही है लालू प्लस टेन इक्वल्स टू लालटेन। वहीं पूर्णिया में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने एक बार फिर परिवारवाद पर पलटवार किया है। हम जब काम करना शुरू किए, पांच के पहले कुछ काम नहीं, पांच के बाद हमारा शुरू, जिन लोगों को मौका मिला वो काम नहीं किए, आप समझ लीजिए परिवार प्रसिद्ध रहे। सुना आपने, सीएम नीतीश ने एक बार फिर से लालू यादव पर हमला किया है। मतलब ये है कि चुनाव तक इस लड़ाई के खत्म होने के आसार नहीं है।